आ जाओ आ जाओ आ जाओ, चलो। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आप सबका? उम्मीद करते हैं कि आप सब ठीक ठाक होंगे, कैजेस होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह जी, हम भी कैजेस हैं। और जी फाइनली फाइनली हमें यहाँ का टाइम मिल गया और हम यहाँ पे आ गए हैं। चलें जी अब अंदर चलते हैं। हाँ जी, पहले बहुत रश था। चले जी चलते हैं। तेरा रास्ता मेरी आंखें तके, तेरे लिए मेरी सांसें रुके। दूर कहीं कहीं कहीं, दूर कहीं के गुंजन से फिजा है भरी। ये दिल बोला था जादू हुआ, क्यों हुआ कब हुआ? पंखुड़ी सी दिल में अब ऐसे खिले खिले खिले। बड़ी मुश्किल है ये भरा भरा दिल है, ये सस में संभाले सजना, मुझे अपना बना ले, मुझे रुक दिए आई सजना। बड़ी मुश्किल है ये भरा भरा दिल है, ये सांसों में संभाले सजना, ख्वाबों में बसा ले, मुझे अपना बना ले, मुझे रुक दिए आई सजना। आ रे आ रे रे मौसम छाए, आ रे आ रे रे मौसम छाए। इसको शौक चढ़ गया है। आपका हैंड ही नहीं जाएगा इधर से, हैंड नहीं जाएगा आपका, दिखाओ। अच्छा जी, अल्हम्दुलिल्लाह खाना हम खा रहे हैं और मज़ा भी हमें यहाँ पे बहुत आ रहा है और काफ़ी डिशेज हैं अभी। मुझे तो ये पता नहीं था चाइनीज़ और थाईज का जो है ना उनका ऊपर है, अभी यहाँ पे देसी और दूसरा वाला लगा। हाँ जी मेरी कॉफ़ी है। नो आपको कफ हो रही है, आपको कैसा लगा था? ठीक है, मुनासिब है कि अच्छा है या बस सही है? ठीक है, एवरेज अच्छा है। एवरेज अच्छा है और चीज़ें डिशेज भी ज़्यादा है ना इनकी। अभी तो ऊपर जाके देखेंगे क्या है। वैसे अभी हमने सिर्फ स्टार्ट ही किया और हमारा पेट फुल हो गया, अब देखते हैं। ये निहारी है, बीफ निहारी। ये थी मेरी सेकंड प्लेट, इसमें से भी ज़्यादा छूट जाएगा। ये मैंने हारी देखी है इतनी सी। हेलो, मम्मी शादी हुई बोला मैंने पापा।
एक तो ना इस बच्चे की शादी होती रहती है, हैं? आपकी शादी होती रहती है जी। आप किसके साथ शादी हो रही है आपकी? आपके साथ। कहते मेरे साथ शादी हो रही है। किसके साथ शादी हो रही है? मेरे साथ शादी हो रही है तो जी। मोहम्मद मुस्तफा की मेरे साथ शादी हो रही है। बाबा की और भाई की शादी हो रही है, आपकी मेरी शादी हो रही है। वाह जी वाह, इसने ना सही सही परफेक्ट वो मनवाई है। चलो जी, नीचे से हमने सारा कुछ टेस्ट कर लिया है और माशाल्लाह बहुत अच्छा है, बहुत मज़े का है। और नहीं, मेरे बैग में नहीं है। और मतलब हर चीज़ मज़े के लिए किया है। टाइमिंग भी इनकी सही है। अभी हमने नीचे से खाया, अब चाइनीज़ और थाई जो है ना इनका ऊपर है। अब चाइनीज़ में देखने जा रही थी इनके चाइनीज़ में क्या क्या और थाई में क्या क्या है, वो ऊपर चलते हैं और आपको दिखाते हैं। थाई मेरे ख्याल से थाई 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 फूड में थाई लोग जो खाते हैं, हाँ थाईलैंड वाले। चलो जी ऊपर चलते हैं और ऊपर देखते हैं ऊपर क्या क्या। आप क्यों आए हो? मैं एक मिनट में आ रही हूँ ना, मैं लेके आ रही हूँ। चलो चलो आ जाओ आ जाओ। मोहम्मद अहमद, ये देखो ये है सुशी। चलो जी ऊपर हम आ गए और यहाँ पे हम दिखाते हैं क्या क्या है। अच्छी हैं, बस थोड़ा सा मीठा ज़्यादा होता है। मुझे पता नहीं मीठा क्यों नहीं पसंद, और वैसे ठीक है, लोग जो पसंद करते हैं उनके लिए ठीक है, लेकिन मुझे ज़रा ज़्यादा मीठा पसंद नहीं है। और मैं ज़्यादा यहाँ पे वीडियो भी नहीं बना सकती क्योंकि ऊपर ये देखें वो लगा हुआ है, गाने लगे हुए हैं। ये आ गई है मेरी स्वीट डिश की प्लेट, जिसमें से मैंने ना अभी आधी चीज़ें डाली है। मैंने कहा चलो एक एक टीस्पून लेके टेस्ट तो करें ना क्या कैसे है। चले जी स्टार्ट करते हैं। अच्छा जी, ये आ गई है मेरी कड़क चाय। कौन सी चाय आई है मोहम्मद मुस्तफा? कड़क। और ये देखें जी, ये शुगर पे हमला हो रहा है। ये सारी नहीं लेनी आपने? सारी। जी चाय पीते हैं और फिर निकलते हैं यहाँ से। यहाँ पर जी मैं जल्दी जल्दी अपनी चाय ख़त्म करने की कोशिश कर रही थी क्योंकि हस्बैंड चले गए थे और वो कह रहे थे आ जाओ आ जाओ आ जाओ बस। तो खैर बहुत मज़ा आया, बहुत एंजॉय किया बच्चों ने और बहुत मुनासिब था। 4000 हम दोनों का लगा था, मेरा और मेरे हस्बैंड का, बच्चों का उन्होंने नहीं लिया था विद कोक और प्लेन वाटर के। तो खैर आप लोग भी ज़रूर जाइए, इंशाल्लाह आपको ज़रूर बहुत अच्छा फील होगा वहाँ पे। चलिए जी अब आपसे लेती हूँ इजाज़त, लेकिन इजाज़त लेने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन के बटन को प्रेस कर दें और मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें। अल्लाह हाफ़िज़।